Hey guys, good morning and welcome back to my channel. तो आज के ब्लॉग शाम को शुरू कर रहा हूँ मैं. अभी मम्मी एडमिट है तो घर पे कोई है नहीं ज़्यादा लोग. अभी जाने क्रिकेट खेलने के लिए, कुछ शूट किया नहीं है मैंने. It's love, I want everything. Touch my soul, touch my heart, don't judge my mental. They told me that life is simple, been real since popping pimple. I sounded out in the rental, Sonata, the presidential. Speak once and listen twice, they told me that less is simple. I'm observing in the room, I'll be flying all on the wall. Open mouth conversations, I leave you all in some awe. Cutting through the noise, I'm hoping I leave a scar. If you don't know where you've been, how you know where. Okay guys, तभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ. ये देख सकते हो, काली मिर्च की दाल, चावल, रोटी खा रहा हूँ मैं. तबीयत काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी ख़राब है. खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करता हूँ. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पिछले 3-4 दिनों से मैं या तो 3 घंटा सो रहा हूँ या तो 10 घंटा सो रहा हूँ. अगले दिन 3 घंटा सो रहा हूँ, उसके अगले दिन 10 घंटा सो रहा हूँ. इसलिए मैं सर बहुत दर्द हो रहा है. इससे ना मैं कहीं गया हूँ, ना ही कुछ शूट किया मैंने. मैं रूम की लाइट ऑफ करके आराम से लेटा हुआ था. अभी थोड़ा ठीक हुआ है, थोड़ा खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं. भाई भूख लग रही है. ओके गाइस, तो खाना वाना खा लिया मैंने. काफ़ी ज़्यादा तबीयत कह तो हाँ ख़राबी थी, इसलिए कुछ शूट नहीं किया मैंने. मैं बस पूरा दिन बेड पर लेटे हुआ था. हॉस्पिटल वगैरह भी जाना पड़ता है कभी कभी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उधर भी थोड़े बहुत चक्कर लगते हैं. और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ सही से, क्योंकि पिछले 3 दिन में पता ही क्या हो रहा है, मैं 3 घंटा सो रहा हूँ और उसके अगले दिन मैं 10 घंटा सो रहा हूँ, फिर मैं उसके अगले दिन 3 घंटा सो रहा हूँ. तो मतलब पूरा शेड्यूल मेरा ऐसी तैसी हो चुकी है. मैं 4 बजे सो रहा हूँ सुबह के, सोने जा रहा हूँ. कभी मैं रात के 10 बजे सोने जा रहा हूँ तो 1 बजे उठ गया, फिर नींद ही नहीं आ रही है. पता नहीं भाई क्या हो रहा है. और नींद आती है तो ये देख रहा हूँ लाइट चल जाती है, एसी बंद, अब चल ही रहा है. बस आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है. और अभी इस टाइम मम्मी एडमिट भी हैं तो घर पे ज़्यादा लोग हैं भी नहीं. चाचा रुकते हैं कभी, पापा रुक जाते हैं, दीदी सब ज़्यादा हॉस्पिटल में आना जाना चक्कर लगा रहता है ना. तो घर में एक गाड़ी तो होनी चाहिए. अगर मैं भी वो गाड़ी लेके निकल गया दोस्तों के साथ तब तो भाई दिक्कत हो सकती है ना. तो इसलिए मैं कहीं गया भी नहीं और घर ही पे था. और घर पे क्या ही शूट करूँ यार, मुझे पता है ब्लॉगिंग ऐसे तो होती नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ. अब मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट बना ही रहा हूँ. अब क्यों ही बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता. मैं शायद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 साल तक अब स्टार्ट किया है तो ख़त्म ही करना है. 7 महीने हो चुके हैं डेली ब्लॉगिंग के. ये ब्लॉगिंग मुझे ही पता है, बाहर जाना है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, ये सब वो सब, उसमें पैसा ही बहुत लगता है. और अभी मैं इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता ये जाके वो सब करूँ. कभी कभी मेरा सच में मन करता है कि छोड़ दूँ, मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये. 0 मोटिवेशन, सिर्फ डिसिप्लिन पर मैं काम कर रहा हूँ कि बस ब्लॉग बना के डालना है. कुछ भी शूट कर देता हूँ, 3-4 मिनट का बन जाता है, उठा के डाल देता हूँ. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बोला ब्लॉग में. अभी फ़िलहाल ठीक है, तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर है, सर दर्द भी ठीक हो गया है. और अभी नींद तो अब आ ही नहीं रही है, दिन शाम को नींद आ रही थी, अभी आ ही नहीं रही है. अब और वाईफाई चल नहीं रहा, उसका जो स्विच बोर्ड होता है ना वो ख़राब हो रखा है. तो अब क्या ही करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. जैसा भी बना होगा डालना तो है. इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करता हूँ. लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.